क्योंकि साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात ऐसे में जिन्होंने भी इंतजार किया था उनके खिलाफ क्या एक्शन? देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि अब की बार कैथल जिला कांग्रेस मुक्त जिला हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेकर के अब की बार विधानसभा में पहुंची है और कैथल जिले से जो 2 सीटें हमारी आई हैं, 2 सीटों में हम हार गए, तो उनकी समीक्षा की जाएगी और जो भी विषय संज्ञान में होगा उसको सिर्फ उसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व के पास भेजी जाएगी, जो भी निर्णय लेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व। तो सर कॉम्बिनेशन कैसे बिठा पाएंगे आप जेजेपी के साथ? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से इस प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत और निर्णायक सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़िया ही मृदुभाषी, सहनशील और धैर्यवान है और जेजेपी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सोच के अनुरूप काम करने वाला कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का तालमेल में कमी आएगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सामंजस्य और तालमेल स्थापित करके पूरा विधानसभा के क्षेत्र में और जिले में और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 370 केंद्र से एक अभी तक लोगों के बीच में जम नहीं पाया और लोगों ने लोकल मुद्दों को जाकर समझने की मदद की? देखिए, 370 और 35A का जो मुद्दा था वो लोगों ने उसको खूब पसंद किया, लोगों ने उसको सराहा। आज लोग ये मानते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। ऐसे में जिन्होंने भी इंतजार किया था उनके खिलाफ क्या एक्शन? देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अब की बार कैथल जिला कांग्रेस मुक्त जिला हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेकर के अब की बार विधानसभा में पहुंची है और कैथल जिले से जो 2 सीटें हमारी आई हैं, 2 सीटों में हम हार गए, तो उनकी समीक्षा की जाएगी और जो भी विषय संज्ञान में होगा उसको सिर्फ उसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व के पास भेजी जाएगी, जो भी निर्णय लेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व। तो सर कॉम्बिनेशन कैसे बिठा पाएंगे आप जेजेपी के साथ? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से इस प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत और निर्णायक सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़िया ही मृदुभाषी, सहनशील और धैर्यवान है और जेजेपी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सोच के अनुरूप काम करने वाला कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का तालमेल में कमी आएगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सामंजस्य और तालमेल स्थापित करके पूरा विधानसभा के क्षेत्र में और जिले में और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 370 केंद्र से एक अभी तक लोगों के बीच में जम नहीं पाया और लोगों ने लोकल मुद्दों को जाकर समझने की मदद की? देखिए, 370 और 35A का जो मुद्दा था वो लोगों ने उसको खूब पसंद किया, लोगों ने उसको सराहा। आज लोग ये मानते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत